Hello, everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your CSIR as well as set examination. So, this is the next series of the free crash course by Bio.com. And in this series, I will provide some important flowcharts that are very much important as per the examination point of view. And they will definitely come in different forms like they will come in matching form or either in the statement based question in the CSIR B. सी एज वेल एज सेट एग्जामिनेशन सो डोंट मिस दिस वीडियो बिकॉज आई हैव कंपाइल्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लो चार्ट ऑफ बायो केमिस्ट्री सेक्शन लाइक बाइकोलिस वी विल सी एंड ऑल्सो वी विल सी द डिफरेंट फेड्स ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड इन वस्कुलर प्लांट्स एंड ऑल्सो द डिफरेंट बायो केमिकल पाथवेज जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत चांसिस हैं And also, if you have previous videos, so you can check out the playlist because it consists of about 17 videos, which are extremely helpful for your CSR examination. So, watch that. And if you like my efforts, hit the like button and subscribe my channel so that you will be notified whenever I will upload some content. The most important one is the different pathways through which the glucose is utilized, either in the plants or in animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ग्लूकोज है उसका क्या फेट होता है इस फ्लोचार्ट में वो बताया गया है बिकॉज़ ग्लूकोज इज़ नॉट ओनली एन एक्सीलेंट फ्यूल बट ऑल्सो इट इज़ अ वर्सिटाइल प्रिकर्सर ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस इट मीन्स ग्लूकोज सिर्फ एक फ्यूल या फिर एक एनर्जी सोर्स नहीं है इट इज़ मोर देन दैट इट मीन्स इट इज़ अ प्रिकर्सर ग्लूकोज जो है वो एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स अलग अलग बायोसिंथेटिक रिएक्शन में जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स चाहिए होते हैं जो केमिकल कंपाउंड चाहिए होता है ग्लूकोज क्या करता है एज अ प्रिकर्सर काम करता है यानी वो इंटरमीडिएट्स बनाने में हेल्प करता है सो वी विल सी थ्रू दिस फ्लो चार्ट सो बेसिकली इन एनिमल्स एंड इन वस्कुलर प्लांट ग्लूकोज हैज थ्री मेजर फेड्स एज यू कैन सी हेयर फर्स्ट वन इज इट कैन बी यूज एज अ स्टोरेज इन

उसके अलावा जो सेकेंड फेट होता है इट इज़ ऑक्सीडाइज टू अ थ्री कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरोवेट यानी कि जो ग्लूकोज का सेकेंड फेट है इट कैन भी ऑक्सीडाइज्ड इंटू थ्री कार्बन कंपाउंड ये जो पायरोवेट है इट इज़ अ थ्री कार्बन कंपाउंड एंड किस पाथवे से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पायरोट थ्रू दी ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू दिस पायरोवेट विच इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड एंड Also, it provides ATP and other metabolic intermediates. And the third fate is this one. Yaniki jo glucose is it is oxidized via the pentose phosphate, or it is also known as phosphogluconate pathway to yield what? This ribose 5 phosphate for the nucleic acid synthesis and NADPH for reduction. एंड एन ए डी पी एच फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेटिक प्रोसेसिस यानी कि ग्लूकोज के तीन फेड है एक तो ये एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल काम करता है अगर वो स्टोर होता है एनिमल्स में इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड एंड वस्कुलर प्लांट इट इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च एंड सोकरोज सेकेंड फेड होता है इट इज़ कन्वर्टेड इन टू थ्री कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरोवेट वायो ग्लाइकोलाइसिस एंड द थर्ड वन इज इट इज़ ऑक्सीडाइज इन टू द ribose 5 phosphate which is used for the nucleic acid synthesis and nadph for the reductive biosynthetic processes so these are the major three pathways This alawa bhi pathway hai, but these three are the most common one so the question banne ke chances jo bhi explanation ya jo bhi maine provide ke, through that so many questions can be arised in the c section or in the b section so the next pathway which we will study is the glycolysis सो ग्लाइकोलिसिस इज अ सेट ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज टू पायरोट अब इसमें क्या होता है इसमें टेन स्टेप रिएक्शन होता है यानी टोटल जो ग्लाइकोलिसिस की बात करें इट इज़ अ टेन स्टेप रिएक्शन और वो जो टेन स्टेप रिएक्शन है उसमें क्या होते हैं दो फेजेस होते हैं यानी जो ब्रेकडाउन होता है सिक्स कार्बन ग्लूकोज का इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द थ्री कार्बन पायरोट अकर्स इन टेन स्टेप यानी ये जो ग्लूकोज है वो सिक्स कार्बन का है एंड जो पायरोवेट होता है वो थ्री कार्बन का होता है एंड इसका दो मॉलिक्यूल बनता है सो so, टोटल ये कितने स्टेप में कन्वर्ट होता है टोटल टेन स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है जिनमें से जो शुरू के फाइव स्टेप्स होते हैं आर नोन एज द प्रिपेटरी फेज द फर्स्ट फाइव इनिशियल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज नोन एज द प्रिपेटरी फेज एंड द नेक्स्ट फाइव इज नोन एज द पे ऑफ फेज सो so, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देखेंगे कि प्रिपेरेटरी फेज में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं एंड पे ऑफ फेज में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं सो so, मैं जितने भी पाथवेज बताऊंगी वो बहुत ही ईजी मैनर में एंड पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी जो आपको याद रखना है सो लेट स्टडी दी वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द प्रिपेटरी फेज यानी अभी जस्ट हमने बात की कि इज अ टेन स्टेप रिएक्शन एंड उस टेन स्टेप रिएक्शन में फर्स्ट फाइव रिएक्शन को बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज एंड नेक्स्ट फाइव रिएक्शन को बोलते हैं पे ऑफ फेज सो द फर्स्ट रिएक्शन और द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपेरेटरी फेज इज द्लूकोज इज फर्स्ट फॉसफोरिलेटेड एट दाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन दिक्कत कार्बन यहां पर यू कैन सी हेयर द्लूकोज जो है इट इज फर्स्टली फॉस्फोरिलेटेड और कौन से कार्बन पे फॉस्फोरिलेशन होता है यू कैन सी हेयर की जो सिक्स कार्बन है यहां पे यू कैन सी हेयर कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है सिक्सथ कार्बन पे, सो so, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है ये सिक्स कार्बन है यहाँ पे, सो so, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप में जो फॉस्फोरेलेशन होता है वो किस कार्बन पे होता है सो सिक्स कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या आ जाता है फॉस्फोरेशन होता है तो फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है यानी कि यहाँ का ओ OH एच निकला और यहाँ पर आ गया फॉस्फेट ग्रुप उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है देन दिस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो कन्वर्ट होके बना है इट इज़ कन्वर्टेड इन टू डी फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट यानी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में दिस इज स्टेप ऑफ द प्रिपेटरी फेज फर्स्ट स्टेप क्या था इजी था फॉस्फोरेशन था ग्लूकोज फॉस्फोरेलेट हो गया ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में यहां पे एनजाइम्स भी मैंशनड है फर्स्ट ये किसने कैटेलाइज किया ये रिएक्शन दिस वॉज कैटेलाइज बाई दी हेग्जो काइनेज एनजाइम एंड द सेकेंड वॉज कैटेलाइज बाई फॉस्फो हेक्ग्जो आइसोमरेज एंड देन थर्ड स्टेप रिएक्शन क्या होगा थर्ड स्टेप रिएक्शन क्या होगा ये जो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो बना है इट इज अगेन फॉस्फोरिलेटेड एंड इस टाइम पे क्या होता है फॉस्फोरलेशन जो होता है वो C1 पे होता है नॉट एट C6 सिक्स एज इन फर्स्ट स्टेप सो क्या बनेगा अब यहाँ पे दो जगह फॉस्फेट लग गया तो वॉट इट विल ईल्ड इट विल ईल्ड फ्रुक्टोज वन सिक्स बिज फॉस्फेट यहां पे क्या बन जाएगा दो फॉस्फेट आ गया यानी सिक्स पोजिशन पर तो पहले ही था फर्स्ट पोजिशन पे भी आ गया यू कैन सी ही यहाँ पे दिख रहा है ये फर्स्ट कार्बन है और ये सिक्स कार्बन है यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है सो फ्रुक्टोज फ्रुक्ट एंड दिस इज कैटेलाइज बाई विच एनजाइम फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज मीन्स इट विल ट्रांसफर दॉ ग्रुप सो फॉर बोथ दी रिलेशन ए टीपी इज दी फॉस्फोर ग्रुप डोनर यहाँ पे ए टीपी की हेल्प से फॉस्फेट ग्रुप को क्या किया जाता है अटैच किया जाता है सो so, ऑल दीज शुगर डेरिवेटिव इन ग्लाइकोलिस आर इन दी डी आइसोमर्स ये भी आपको याद रखना है डी आइसोमर्स में होते हैं सारे ही शुगर्स ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में नाउ नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन दैट इज द फोर्थ रिएक्शन फोर्थ स्टेप ऑफ द प्रिपेटरी फेज इन विच दिस फ्रूक्टोज वन सिक्स बिज फॉस्फेट इज स्प्लिटेड यानि वो टूट जाता है टू ईल्ड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ डी एच ए पी वॉट इज डी एच ए पी डीएचए पी इज द डाईहाइड्रॉक्सी एसिटॉन फॉस्फेट एज वेल एज इट विल ईल्ड दी ग्लीसरेलडी हाइट थ्री फॉस्फेट यानी इसमें यह जो फ्रुक्टोज वन सिक्स विसफॉस्फेट है दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू ग्लिसरेलडी हाइट थ्री फॉस्फेट एज वेल एज डाईहाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड दिस इज दी फोर्थ स्टेप एंड यहाँ पे क्या होता है लाइसिस होता है टूटता है यानी फ्रुक्टोज वन सिक्स बिजफॉस्फेट क्या हुआ है वो उसका स्प्लिटिंग हो गया है यानी दो मॉलिक्यूल्स में है वो टूट गया है

एंड यहाँ पे जो प्रिपेरेटरी फेज था वो एंड हो जाता है एंड यहाँ से एंड यहाँ से स्टेप से कौन सा यहां से लेके पूरा ये स्टेप तक कौन सा फेज स्टार्ट हो गया पे ऑफ फेज स्टार्ट हो गया सो so, ये फाइव स्टेप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है वो ये है इन दी प्रिपेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इज इन्वेस्टेड यानी जितने भी हमने पांच स्टेप रिएक्शन देखा उस फर्स्ट फाइव रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है इनपुट देते हैं हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अपना सो दैट इट विल रेज द फ्री एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ द इंटरमीडिएट्स एंड द कार्बन चेन्स ऑफ ऑल द ऑलाबोलाइज हेग्जोजेज आर कन्वर्टेड इन टू अ कॉमन प्रोडक्ट दैट इज द ग्लिसी हाइट थ्री फॉस्फेट हमने देखा कि लास्ट फिफ्थ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था ग्लिसरेल डी हाइट थ्री फॉस्फेट अब उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारा पे ऑफ फेज हाउ द एनर्जी गेन्स कम्स इन द पे ऑफ फेज जो भी एनर्जी गेन हुई है वो पे ऑफ फेज में आती है नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसहाइड थ्री फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इन टू वन थ्री बिजफॉस्फेट ग्लिसरेट यहाँ पर जो दिख रहा है ये दो मॉलिक्यूल बनता है किसका वन थ्री बिस् फॉस्फो ग्लिसरेट का कौन से एंजाइम से ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस की हेल्प से ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें नाउ ये सिक्स स्टेप ऑफ रिएक्शन था सेवन्थ स्टेप में क्या होता है एनर्जी इज देन रिलज एस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉसफोगेट विच इज कन्वर्डेड इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यानी सेवन से लेके टेंथ तक ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप एंड ये वाला स्टेप एंड फाइनल ये पायरुवेट यानी ये जो सिक्स स्टेप में वन थ्री बिस्फॉसोगट बना है ये थ्रू थ्री मोर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है फाइनल ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट में दैट इज पायरोज थ्री कार्बन कम्पाउंड एंड इसका दो मोलिक्यूल बनता है तो इसका प्रोडक्ट भी याद रखना है कि दो मोलिक्यूल बना है इसमें एंड यहाँ पे जो एनजाइम्स मैंशन है पहले प्रिपेटरी फेज में ब्लू कलर से मैं थे एंड पे ऑफ फेज में पिंक कलर से तो आपको ये ही ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो दरऑल ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज गिवन बाई द इक्वेशन ग्लूकोज प्लस टू एन ए डी प्लस प्लस टू ए डी पी प्लस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल ईल्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन आफ्टर टेन स्टेप्स दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के विच इज़ अ थ्री कार्बन कम्पाउंड उसके साथ में टू एन ए डी एच और दो ए टी पी रिलीज होते हैं सो so, हम ये बोल सकते हैं फॉर ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरोट यानी अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड हुआ है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डी पी जनरेट होता है ए डीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आई एम अगेन रिपीटिंग कि अगर एक मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरोट यानी जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोट में सो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। यू हियर यू कैन सी दो एटीपी जनरेट हुआ है प्रोडक्ट में किससे किससे दो एटीपी और दो इनऑर्गेनिक फास्फेट से सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिस पाथवे व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई होप की आपको ईजी मैनर में समझ में आया होगा नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट विच इज रिगार्डिंग दी थ्री पॉसिबल कैटाबोलिक फेड्स ऑफ द पायरोवेट विच इज़ फॉर्म्ड इन दी टेन स्टेप ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन यानी ये जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में उसका क्या क्या फेट हो सकता है यानी वो और कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सो ये जो ग्लूकोज है इट इज़ कन्वर्टेड इन टू टू मोल्स ऑफ टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड थ्रू अ टेन स्टेप रिएक्शन एंड इसके भी अलग अलग हमने देखा कि पांच फेज फाइव स्टेप जो रिएक्शन थे वो प्रिपेटरी फेज में होते हैं इनिशियल फाइव एंड नेक्स्ट फाइव जो होते हैं वो पे ऑफ फेज होते हैं एंड द नेक्स्ट फेज इज जब ये पायरुवेट बना है वो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है सो अंडर एनारोबिक कंडीशन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू लैक्टेट एंड अगर एनारोबिक कंडीशन है या हाइपॉक्सिक कंडीशन है यानी जहाँ पे ऑक्सीजन लो है सो इन दैट कंडीशन थ्रू फर्मेंटेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अंडर एरोबिक कंडीशन इट इज कन्वर्टेड इनटू टू एस्टिल कोई मे एंथ्रोसाइट्रिक एसिड साइकिल इट इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल सो ये आपको याद रखना है कि ये जो पायर्वेड बना है वो किस किस स्टेप में जाके या किस किस मेटाबॉलिक पाथवे में जाके कौन से कम्पाउंड बनाता है सो अंडर एनोरोबिक कंडीशन इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इथेनॉल एंड लैक्टेड एंड ऑल्सो अंडर एरोबिक कंडीशन इट इज कन्वर्टेड इंटू एसिटिल को सो so, ये भी आपको पूछा जा सकता है इन डिफरेंट वेज सो रिमेंबर इट एंड आई होप आपको ये तीन जो भी मैंने आज बताया आज की वीडियो में अच्छा लगा हो एंड ऑल्सो अगर आप मुझसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या किसी टॉपिक का क्वेश्चन चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग